हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन से। आधार कार्ड आप घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली चले जाएंगे हम दोस्तों अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र पर या कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा गूगल। तो सबसे पहले यहाँ पर सर्च कर लेंगे UIDAI। सिंपली कुछ इस तरह से सर्च करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले ही लिंक पे टच करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बोल रहा है, सेलेक्ट योर फॉर फेस नंबर, ये लैंग्वेज बोल रहा है। तो हम सिंपली नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा खुल के दोस्तों। तो हम इसे स्वाइप करके नीचे की तरफ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आधार सर्विस का ऑप्शन है तो और यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई एन आधार नंबर, ठीक है दोस्तों। तो हम सिंपली यहाँ पे आधार नंबर पे टच करेंगे तो सिंपली कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड आधार। तो हम सिंपली इस तरह से टच करेंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आधार नंबर वहाँ पे है तो हम सिंपली आधार नंबर पे टिक रहने देंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, एंटर आधार नंबर और नीचे एंटर कैप्शन है, ठीक है दोस्तों। तो हम सिंपली कैप्शन और आधार नंबर हम टैप कर लेंगे। जब तक आप लोग नए आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो एक इस तरह से कुछ दे दीजिएगा दोस्तों, अपना आधार नंबर और एक कैप्शन नीचे डाल दीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेंड OTP का ऑप्शन है, सिंपली सेंड OTP पे टच करेंगे तो कुछ सेकेंड का वेट करेंगे और हमारा जो है फ़ोन नंबर पर एक OTP आ जाएगा दोस्तों। तो सिंपली हम थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा वेट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा OTP आ गया है। तो हम सिंपली अपना जो है OTP यहाँ पे फिल कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से हम कॉपी कर लिए और उसके बाद देखिए दोस्तों, वेरीफाई डाउनलोड का ऑप्शन है, सिंपली हम वेरीफाई डाउनलोड पे टच करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे दोस्तों, थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा वेट करेंगे। कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है दोस्तों। तो हम वेरीफाई डाउनलोड पर टच करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। डाउनलोड वेरीफाई डाउनलोड पे टच करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है और हमारा जो है आधार कार्ड डाउनलोड हो गया है। तो दोस्तों हम सिंपली इसे चेक कर लेंगे, यहाँ पे देखिए 3 डॉट पे टच करेंगे, उसके बाद डाउनलोड पे जाएंगे। डाउनलोड पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, आधार लिखा कर आ गया। तो हम सिंपली इसे टच करेंगे और ऐसे देखिए दोस्तों, ये जो है हम किसी भी ये जो है PDF फाइल में खोल सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे PDF इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे ओपन करते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हमसे पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो अब यहाँ पर हमारा पासवर्ड क्या होगा दोस्तों? तो हमारे नाम का जो है, जो भी नाम हो उसका जो है फर्स्ट अंक का ही होता है, वो भी कैपिटल में 4 अंक जो दे दीजिएगा दोस्तों। कुछ इस तरह से जो है, इस तरह से कुछ दे दीजिएगा 4 अंक और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लास्ट का 4 अंक दे दीजिएगा दोस्तों, कुछ इस तरह से, और उसके बाद ओके कर दीजिएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपका आधार कार्ड जो है डाउनलोड होकर के ओपन हो जाएगा। तो आप अपना आधार कार्ड कुछ इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे अपने फ़ोन से ही। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।